नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, जिसे राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को मान्यता प्राप्त हुई थी। केवल हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो पूरे भारतवासियों को एकता के सूत्र में बांधती है। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आपके सम्मुख कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हिंदी भाषा से प्रेम बढ़ाओ, भारत देश को आगे बढ़ाओ। अपने वतन की सबसे प्यारी भाषा, हिंदी जगत की सबसे न्यारी भाषा। गांधी जी ने हिंदी को कहा था जनमानस की भाषा, जनमानस की भाषा, क्योंकि हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भारत की भाषा, भारत की भाषा। 14 सितंबर का दिन है हम सबके लिए खास। इस दिन हिंदी दिवस के रूप में मना था स्वर्णीय इतिहास। आओ मिलजुल कर हिंदी दिवस मनाए, जन जन को हिंदी भाषा का महत्व समझाए। धन्यवाद। मेरा नाम रुद्रा बुगाड़े है, मैं पहला कक्ष में पढ़ता हूँ। मैं आप सभी को तितली रानी कविता सुनाने वाला हूँ। तितली रानी तुम कहाँ से आए हो, इतने सुंदर पंख निलारे कहाँ से लेकर आए हो। रोटी दाल की चाह नहीं, फूलों का रस तुम पीती हो। धन्यवाद। के लगते दुबले हैं, जो हमसे
बच्चे हैं आगे बढ़ते जाएंगे। आज तो तुम पहचाने लोग ना हमको पाएंगे, हम भारत के बच्चे हैं आगे बढ़ते जाएंगे, हम भारत के बच्चे हैं आगे बढ़ते जाएंगे, हम भारत के बच्चे हैं आगे बढ़ते जाएंगे। जय हिंद। सुप्रभात आदरणीय गुरुजी एवं मेरे प्यारे मित्रों, मेरा नाम सोम्या नाकड़ है। मैं आपको आज बहुत सुंदर कविता बताने जा रही हूँ। इस कविता का शीर्षक है स्वच्छ भारत। ये कविता हमें ये सीख देती है कि हमें घर में साफ सुथरा रखना चाहिए और आसपास सफाई रखनी चाहिए। इन सब आदतों से हमारा भारत प्यारा और स्वस्थ बन सकता है। ये मेरी प्रस्तुति स्वच्छ भारत। नेहा ने एक केला खाया, खाकर छिलका वही गिराया, तभी वहाँ एक चिड़िया आई, सिर पकड़कर वह चिल्लाई, अपनी चोंच खोल चिड़िया ने उस छिलके को तुरंत उठाया, छिलका कूड़ेदान में डाला, प्यार से नेहा को समझाया। बोली चिड़िया ठीक नहीं है सड़क पर कूड़ा फैलाना, प्यारी नेहा हमको अपना प्यारा भारत स्वच्छ बनाना, प्यारा भारत स्वच्छ बनाना। हम सब साथ घर में अपनी साफ सफाई रखते हैं, फिर बोलो सड़कियों गलियों में क्यों हम गंदा रखते हैं। साफ रखेंगे आज हम कसम खाते हैं, कहीं करेगा कोई ना गंदा, भारत स्वच्छ बनाते हैं। जय हिंद जय भारत। धन्यवाद। मेरा नाम है आराध्या अमित पाटिल, मैं दूसरी कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरे कविता का नाम है तितली उड़ी। तितली उड़ी उड़ न सकी, तितली उड़ी उड़ न सकी, बस में चढ़ी सीट ना मिली, सीट ना मिली तो रोने लगी। ड्राइवर ने कहा आजा मेरे पास। तितली बोली हट बदमाश, मेरा घर है पास। तितली उड़ी उड़ ना सकी, ट्रेन में चढ़ी सीट ना मिली, सीट ना मिली तो रोने लगी। बंदर ने कहा आजा मेरे पास। तितली बोली हट बदमाश, मेरा घर है पास। तितली उड़ी उड़ ना सकी, पैदल चली थकने लगी। बंदर ने कहा आजा मेरे पास। तितली बोली हट बदमाश, मेरा घर है पास। धन्यवाद। प्रभा आदरणीय गुरुजन एवं मेरे प्यारे मित्रों, मेरा नाम प्रणव कैलाश गोराडे है, मैं दूसरी कक्षा में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम है विश्वास यूनिवर्सल स्कूल। मैं आपको एक कविता सुनाने वाला हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है पौधे। ये बहुत सुंदर है, यही मेरी प्रस्तुति है पौधे। आज लगाओ एक पौधा, डालो प्यार से पानी, पेड़ वो बन जाएगा, फूल फल छाव देगा, पंछियों को आसर देगा, हरियाली बढ़ाएगा, हरियाली है जहाँ बारिश बरसेगी वहाँ। थैंक यू। मेरा नाम अनु संदीप सुनौना है, मैं कक्षा दूसरी सन में पढ़ता हूँ। मैं आज आपको सुबह ये कविता बताने जा रहा हूँ। गरम गरम लड्डू सा सूरज था, बैठा लाली में सुबह सुबह आया कुछ से आसमान की थाली में, बूंदी आग खोली कलियों ने, चिड़ियों ने गाया गाना, गुनगुन करते भरों ने, फूलों को पहचाना,
तभी आगे कर एक तितलियों की टोली मधुमक्खियों मधुरस लेकर भर रहा। ये अपनी छोली उठो उठो हम लगे काम, तभी आगे बढ़ पाएंगे। वे क्या पाएंगे जीवन में सोते रह जाएंगे। धन्यवाद। मेरा नाम सरा हर्षल सोनार है, मैं दूसरी कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरे कविता का नाम है पत्तियों का चिड़ियाघर। पेड़ों के कपड़े हैं पत्ते, पेड़ उन्हीं को पहने रहते। पेड़ों के बस्ते में होते खेल खिलौने सस्ते सस्ते। पत्तों का भी है संसार, पत्तों के हैं कई प्रकार। हर पत्ते का है आकार, केले बरगद और अनार। दो पत्तों को छूकर तो देखो, उनसे हाथ मिलाओ तुम। हंसी खेल में बातचीत में उनको मित्र बनाओ तुम। अखबारों की तह के भीतर उनको नींद सुलाओ तुम। अगर नींद से जाग उठे तो गुनगुन गीत सुनाओ तुम। इन सूखे पत्तों से खेल मिलकर इन्हें सजाओ तुम। ये सारे दिलचस्प नमूने कागज पर चिपकाओ तुम। पीपल पेड़ पूछ डंडी पैर कनेर के इमली की नक। हरी घास की लंबी मूंछ कहीं बबूल कहीं पे ढाक। होते हैं बेजान पत्ते उनकी होती खास जुबान। कोई पत्ता लगता चेहरा कोई है चोटी की शान। पेड़ों के पत्तों से बच्चों बनता सुंदर चिड़िया घर। सैर करो तुम आज दूसरी के जल्दी आओ करो सफर। धन्यवाद। I'm Niralika Sakshi from Thormal. I'm represent a song for Hindi Rajya Bhasha Day. क्यों नहीं करते हो? तो फिर वो कहता है
कि अगर हम दूध में मिलावट करेंगे तो फिर हमारे से कोई दूध नहीं लेगा और हमें गांव से बाहर भेज देंगे। तो फिर वो ऐसा कहता है और दूध बेचने जाता है। तो फिर दूसरी दिन वो पत्नी कहती है, आप थोड़ा दूध में मिलावट क्यों नहीं करते हो? तो फिर वो कहता है कि ठीक है, तुम इतना कहती हो तो मैं थोड़ा मिलावट कर लेता हूँ। तो फिर वो मिलावट करता है और दूध बेचने जाता है। तो फिर एक ग्राहक रह जाता है, वो कहता है कि मुझे 5 लीटर दूध चाहिए, पर दूध तो सारा ख़त्म हो गया होता है। तो फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें कल दूध दे दूँगा। तो फिर वो जाता है और कर और मिलावट करता है। तो फिर एक मिठाई वाले ने दूध मांगा और उसने दूध 5-10 लीटर मांगा था। तो फिर उसने 10 लीटर दूध दे दिया और जब उसने मिठाई अलग अलग तरह के बना के लोगों को खिलाया तो फिर लोग बीमार पड़ गए। तो फिर मिठाई वाले ने एक दिन दूध वाले के घर में देखा कि वो मिलावट कर रहा था। तो फिर उसने गांव वालों से ये कह दिया। तो उन गांव वालों ने उन्हें मारकर बाहर भेज दिया। और तो फिर हमारी ये कहानी की सीख है कि लालच बुरी बला है। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम देवर्षि है, मैं 3री कक्षा में पढ़ती हूँ। आज हिंदी दिवस के अवसर पर मैं एक कविता सुनाना चाहती हूँ। मेरी कविता का नाम है हिंदी भाषा। हम हिंदुस्तानी हैं, गर्व करो हिंदी भाषा पर। हम हिंदुस्तानी हैं, गर्व करो हिंदी भाषा पर। उसे सम्मान दिलाना और देना कर्तव्य है हमारा। उसे सम्मान दिलाना और देना कर्तव्य है हमारा। खत्म हुआ विदेशी शासन, तोड़ दो अब उन बेड़ियों को। खत्म हुआ विदेशी शासन, तोड़ दो अब उन बेड़ियों को। लेकिन न छोड़ना धरती माँ के प्यार को। लेकिन न छोड़ना धरती माँ के प्यार को। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, इस पर करो जिंदगी न्योछावर सारी। मेरा नाम अंशुल कोकाटे है, मैं 3री कक्षा में पढ़ता हूँ। आज मैं आपको हिंदी दिन के अवसर पर एक कहानी सुनाऊंगा। एक गांव था, उस गांव में एक गरीब किसान रहता था, उसका नाम रामू था। वह एक दिन जंगल में पेड़ काटने के लिए गया, तभी उसे एक सूखा पेड़ दिखाई दिया। वह उस पेड़ पर चढ़ के उसकी टहनी निकालने लगा, तभी उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। तभी वह उदास होकर रोने लगा। तभी पानी में से एक जलपरी निकल आई, उसने पूछा, तुम रो क्यों रहे हो? किसान रामू बोलता है, मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई है। तभी वह जलपरी एक सोने की कुल्हाड़ी निकाल लाती है। वह पूछती है, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू बोलता है, नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। फिर जलपरी और एक कुल्हाड़ी लाती है, वह चांदी की होती है। वह पूछती है, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं, यह भी नहीं है। फिर वह और एक कुल्हाड़ी लाती है, वह लोहे की होती है। फिर वह पूछती है कि यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू बोलता है, हाँ, यह मेरी कुल्हाड़ी है। रामू अपनी कुल्हाड़ी पाकर बहुत खुश हुआ। तभी जलपरी उसकी ईमानदारी देखकर उसे वह चांदी और सोने की दोनों भी कुल्हाड़ी दे गई। फिर किसान रामू बहुत खुश होके अपने घर चला गया। इससे हमें सीख मिलती है कि हमें हमेशा ईमानदारी से काम लेना चाहिए। धन्यवाद। मेरा नाम अजय
10 मस्के हैं। मैं तीसरी कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरी कहानी का नाम है चंदू ने सबक सीखा। चंदू नाम का एक लड़का था। उसे केले खाने का बहुत शौक था। वह केला खाकर केले के छिलका इधर उधर फेंक देता था। सबने उसे कई बार समझाया कि केले का छिलका कूड़ेदानी में डाला करो, परंतु उस पर जरा भी असर नहीं होता। एक दिन चंदू केला खा रहा था। उसके एक हाथ में केला था और उसने केले के छिलका इधर फेंक दिया। उसी समय पर एक पतंग कटकर नीचे आ रही थी। चंदू उसे पकड़ने के लिए दौड़ा। उसका पैर केले के छिलके पर पड़ा और वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सर में चोट आई। उस दिन से चंदू ने केले का छिलका कूड़ेदानी में डालना शुरू किया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बड़ों की बात माननी चाहिए। धन्यवाद। गुड आफ्टरनून टू माय देन ऑल। अरे आज तो हिंदी भाषा दिन है ना। शुभ दोपहर। मेरा नाम अभिज्ञा दिनेश देशमुख है। आप सबको हिंदी भाषा दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं चौथी कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं आप सबको मेंढक से सीख ये कहानी सुनाने वाली हूँ। एक बड़ा सा तालाब था, उसमें बहुत सारे मेंढक रहते थे। वहाँ के राजा ने वहाँ एक बड़ा सा खंबा लगाया हुआ था। सारे मेंढकों ने यह निश्चित किया कि हम एक प्रतियोगिता रखेंगे, जिसमें जो भी इस खंबे के सबसे ऊपर पहुंचेगा वो विजय माना जाएगा। प्रतियोगिता का दिन निश्चित हुआ और वो दिन आ ही गया। बहुत सारे मेंढकों ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था और पास के तालाब के मेंढकों ने भी लिया था। बहुत सारे मेंढक प्रतियोगिता देखने भी आए थे और फिर प्रतियोगिता शुरू हुई। एक एक करके सारे मेंढक खंभे के ऊपर चढ़ते पर फिसल के नीचे आ जाते। फिर पीछे का मेंढक बोला कि ये तो नामुमकिन है, ये तो कोई कर ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, इस खंभे के ऊपर कोई चढ़ ही नहीं सकता। ये सब सुनकर कुछ मेंढक प्रतियोगिता से हार मान गए, पर कुछ मेंढकों की कोशिश जारी थी। उनमें से एक छोटा मेंढक भी पहले से गिरता रहा था, चढ़ता रहा था, गिरता रहा था, पर अंत में जाके वो खंभे की चोटी तक जाकर पहुंचा। बहुत सारे मेंढकों को उत्सुकता थी कि उसने ये कैसे किया और उनने ये पूछा कि तुमने कैसे किया, पर पीछे से एक मेंढक बोला, अरे भैया उससे ना पूछो क्योंकि वो बहरा है। तो उनको इतनी उत्सुकता थी कि उन्होंने एक मेंढक को ढूंढा जो उसकी बात समझ सके और समझा सके। और फिर वो छोटा मेंढक बोला कि जब आप सब लोग चिल्ला रहे थे तो मुझे लगा कि आप मेरा हौसला बढ़ाकर कह रहे हैं कि तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, इसलिए मैं खंभे की चोटी तक जाकर पहुंचा। तो हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि आप बहुत सारे लोग आपको बहलाते हैं और बोलते हैं कि आप ये नहीं कर सकते, पर हमें उन पर नहीं हमारे लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम गिरिजा प्रशांत चंद्राकर है। मैं चौथी कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरे कहानी का नाम है लोभ का फल। बहुत पुराने समय की कहानी। एक रामपुर नामक गांव में एक रामू नाम का बहुत ही गरीब किसान होता था, परंतु उसकी लोभी पत्नी रमा उसको बहुत ही धन और सोने का बहुत ही शौक था। इसलिए वह रोज शिव मंदिर में जाके भगवान शिव जी से प्रार्थना करती थी। एक दिन रोज की तरह
वैसे ही रमा के दोनों हाथ और पैर पहले जैसे हो गए। इस तरह रमा के दोनों भी वरदान भी व्यर्थ गए। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि लोभ का फल हमेशा बुरा होता है। धन्यवाद। मेरा नाम अंतना श्री गंगवार है। मैं कक्षा चौथी का विद्यार्थी हूँ। आज मैं आपके सामने एक लघु कथा प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरी लघु कथा का नाम है आज्ञाकारी बालक श्रवण कुमार। एक बार की बात थी है, एक लड़का रहता था, उसका नाम था श्रवण कुमार। वो अपने माता पिता के साथ एक झोपड़ी में रहता था। एक दिन रात को वो अपने माता पिता की आवाज सुन के उठ गया। उसके माता पिता कह रहे थे कि उसकी माँ ने कहा कि हमें तीर्थ यात्रा पर जाना चाहिए। उसके पिताजी ने कहा नहीं, हम देख नहीं सकते और साथ में चल भी नहीं सकते, तो हम तीर्थ यात्रा पर नहीं जा सकते हैं। उसकी माँ ने कहा भगवान की यही इच्छा है तो सही। श्रवण कुमार ने सब सुन लिया। दूसरे दिन उसने एक मजबूत बांस की लकड़ी ली और बांस की लकड़ियों से बनी दो टोकरी ली और उसे उस बांस की लकड़ी से एकदम मजबूत रस्सी से बांध दिया। फिर उसने दोनों टोकरियों में अपने माता पिता को बिठाया और भगवान का नाम लिए अपनी तीर्थ यात्रा शुरू कर दी। उसने कई पहाड़ की चोटियां पार की, मंदिरों के दर्शन किए और फिर जाके उसकी तीर्थ यात्रा खत्म हो गई। सबको ऐसा आज्ञाकारी बालक बनना चाहिए। मैं भी ऐसा आज्ञाकारी बालक बनूंगा। थैंक यू। मेरा नाम भाविका मनोज कोई है। मैं चौथी कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ। मेरे कहानी का शीर्षक है गरीब का लौंडा। नासिक के गांव में रामू नाम का आदमी रहता था। वह मोची का काम करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। जब सरकार ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए देश भर में लॉकडाउन लगाया, कुछ दिन पश्चात रामू की आर्थिक परिस्थिति खराब हो गई। एक दिन वो हिम्मत करके रास्ते पर निकला, तभी उसे एक पुलिस वाला मिला और उसने पूछा कि तुम कौन हो और कहां से आए हो। रामू ने कहा मैं रामू हूँ, पास से ही आया हूँ, मैं मोची का काम करता हूँ। आज सुबह से यहाँ पर खड़ा हूँ पर कोई ग्राहक नहीं मिला। पुलिस वाले ने कहा कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सरकार ने देश भर में लॉकडाउन लगाया है। यह सुनकर रामू बहुत उदास हो गया और कहा अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो मैं मेरे परिवार का पालन पोषण कैसे करूँगा। पुलिस वाले की उसके ऊपर दया आई। उसने उसे खाना और कुछ दिनों का राशन दिया और बोला यह खाना और कुछ दिनों का राशन है, अपने परिवार को दे देना। रामू बहुत खुश हुआ और उसका धन्यवाद कहकर वहां से चला गया। हमें इससे यह सीख मिलती है कि हमें गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। धन्यवाद। मेरा नाम ऋषिकेश दीपक धान्य है। मैं पांचवी कक्षा में पढ़ता हूँ। मैं आज तुम सब लोगों को दो चुटकुले सुनाने वाला हूँ। चुटकुला पहला, टीचर ने पप्पू से पूछा चांद पर पहला कदम किसने रखा। पप्पू ने कहा नील आर्मस्ट्रांग ने। टीचर ने पूछा दूसरा, पप्पू ने कहा दूसरा भी उसी ने रखा होगा क्योंकि वो थोड़ी लंगड़ी खेलने गया था। चुटकुला दूसरा, सोनू और मोनू बातें कर रहे थे। सोनू ने मोनू से पूछा हिंदी और सब लोग हिंदी और अंग्रेजी भाषा में क्यों बात करते हैं, मैच में क्यों नहीं। मोनू ने कहा मेरा सर मत खा या ऐसे 9-2-11 हो जाए, अगर मुझे गुस्सा आ गया तो 5-7 लगा दूंगा, तेरे 32 के 32 निकल आएंगे। सोनू ने कहा ठीक है समझ आ गया, हिंदी और
अंग्रेजी की भाषा ही अच्छी है, मैथ्स की भाषा ही बहुत डरावनी है। धन्यवाद। सभी शिक्षक और मेरे दोस्तों को मेरा नमस्कार। आज मेरा नाम अनन्या जितेंद्र पाटिल है। आज मैं आपको हिंदी भाषा दिन के अवसर पर दो बड़े मज़ेदार चुटकुले सुनाने वाली हूँ। पहला चुटकुला, शिक्षक, चिंटू मैंने जो तुम्हें कल अभ्यास दिया था वो तुमने बिल्कुल बुरी तरह से किया है। अक्षर भी बहुत बुरा है और व्याकरण तो बहुत ही बुरा है। रुको, कल तुम्हारे पापा से तुम्हारी शिकायत करूंगी। चिंटू, मेरे पापा से शिकायत करके कोई फायदा नहीं होगा। शिक्षक, क्यों, फायदा क्यों नहीं होगा? चिंटू, क्योंकि ये जो मेरा अभ्यास है वो तो पापा ने ही लिखा है। दूसरा चुटकुला, संता और बंता दोस्त है। संता, बंता तुम्हें पता है मेरे दादाजी के खेत में इतना बड़ा बैंगन है कि उसके आधे टुकड़े को ही ले जाने के लिए पूरा का पूरा ट्रक लगता है। बंता, इतनी सी बात, ये तो कुछ भी नहीं। तुम्हें पता है क्या, मेरे पापा के फैक्ट्री में तो इतना बड़ा बर्तन बनता है कि उसको साफ करने के लिए ही 100 लोग लग जाते हैं। संता, इतना बड़ा बर्तन कभी होता भी है क्या? कुछ भी, और इतने बड़े बर्तन का तुम करोगे क्या? बनता, अरे मैं उस बर्तन में तुम्हारे दादाजी के खेत का बैंगन पकाऊंगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं सोनक मनोज दीक्षित हूँ। मैं कक्षा 5 मून का छात्र हूँ। आज मैं हिंदी दिवस के उपलक्ष पर आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। हिंदी दिवस के उपलक्ष पर मैं आज कुछ चुटकुले सुनाने जा रहा हूँ। पहला चुटकुला है, एक बार टीचर टीटू से पूछते हैं, टीटू 15 फलों के नाम बताओ। टीटू कहता है, सेब, केला और अमरुद। टीचर बोलते हैं, शाबाश, और 12 फलों के नाम बताओ। टीटू बोलता है, एक डजन केले। दूसरा चुटकुला है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा टीवी शो में गोकुल धाम की सारी औरतें खुश क्यों रहती है? क्योंकि वहां एक भी सास नहीं है। तीसरा चुटकुला है, एक बार मुन्ना अपनी माँ से पूछता है, माँ क्या मैं भगवान जैसा दिखता हूँ? माँ बोलती है, नहीं बेटा, पर तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? मुन्ना बोलता है, क्योंकि मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग बोलते हैं, हे भगवान फिर आ गया। चौथा चुटकुला है, एक बार मुन्ना टीटू से पूछता है कि एक तरफ अक्कल और दूसरी तरफ पैसा रहेगा तो तुम क्या चुनोगे? टीटू कहता है, मैं पैसा चुनूंगा। मुन्ना बोलता है, गलत, मैं अक्कल चुनूंगा। टीटू बोलता है, तुम सही कह रहे हो, जिसके पास जिस चीज की कमी हो वह वही चुनेगा। पांचवा चुटकुला है, कैसी माया है दुनिया की, एक तरफ केले खाने से हड्डी मजबूत होती है और दूसरी तरफ केले के छिलके पर पैर पड़ने से हड्डी टूट जाती है। धन्यवाद। हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन, इसे सम्मान दो, मातृभाषा मातृभूमि का नहीं अपमान हो, ना कभी अपमान हो। हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन, इसे सम्मान दो, संस्कृत जननी है जिसकी हिंदी उसका लाल है, संस्कृत जननी है जिसकी हिंदी उसका लाल है। हिंदी की बिंदी से दम के भारती का बाल है, माँ भारती का बाल है। तोड़ दो सैकड़ों
के गौरव उठो, हिंदी को उचित स्थान दो। मातृभाषा मातृभूमि का नहीं अपमान हो, ना कभी अपमान हो। मेरा नाम मानसी मर्दाने है, मैं छठी कक्षा में पढ़ती हूँ। हिंदी दिवस के अवसर पे मैं कुछ चुटकुले बताने वाली हूँ। चुटकुला एक। एक विद्यार्थी स्कूल में टीचर से पूछता है, टीचर ये नटूरे क्या होता है? टीचर को कुछ समझ नहीं आता। वो बहुत ढूंढते हैं, वो पूरी डिक्शनरी में ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें नहीं मिलता। अगले दिन फिर से वही विद्यार्थी पूछता है, टीचर नटूरे क्या होता है? फिर वो बहुत सारे दूसरे बुक्स में भी ढूंढता है, लेकिन उन्हें मिलता नहीं। ऐसे बहुत दिन वो ढूंढते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद वो टीचर ही विद्यार्थी से पूछते हैं कि नटूरे का स्पेलिंग तो बताओ। तो वो बताता है NANATURE। तो वो बोलता है, अरे पागल, तुझे मैं अभी स्कूल से निकाल दूंगा, तेरे वजह से मेरी ज़िंदगी कितनी बर्बाद हो गई थी। तो फिर वो विद्यार्थी बोलता है, नहीं सर ऐसे मत करो, नहीं तो मेरा फुटुरे बर्बाद हो जाएगा। चुटकुला दो। टीचर पूछते हैं कि बच्चे तुमने तुम्हारा होमवर्क किया? तो बच्चा बोलता है, नहीं मैं तो हॉस्टल में रहता हूँ। तो फिर टीचर बोलते हैं, तो फिर बच्चा बोलता है, आपने फिर हॉस्टल वर्क देना चाहिए था, मैं होमवर्क हॉस्टल में कैसे कर सकता हूँ। फिर चुटकुला तीन। बुजुर्ग व्यक्ति पूछता है एक बेटे से कि बेटा तुम कैसे हो? तो बच्चा बोलता है कि मैं ठीक हूँ। तो फिर बुजुर्ग बोलते हैं, पढ़ाई कैसे चल रही है? तो फिर बच्चा बोलता है, एकदम तुम्हारी ज़िंदगी की तरह। तो फिर बुजुर्ग होते वो समझते नहीं, तो वो पूछते हैं, मतलब? तो फिर बच्चा बोलता है, भगवान के भरोसे। फिर चुटकुला चौथा। रेल के डिब्बे में चिंटू की माँ ने चिंटू से कहा, चुपचाप बैठो, शरारत की तो मैं मारूंगी। चिंटू ने कहा, तुमने मुझे मारा तो मैं टिकट चेकर से मेरी उम्र बता दूंगा। चुटकुला पांचवा। पप्पू, मम्मी मैं टीवी देखते पढ़ाई करूं? मम्मी, हाँ क्यों नहीं, पर टीवी भूलकर भी चालू मत करना। धन्यवाद। मेरा नाम जानवी प्रमोद बोल्डे है, मैं कक्षा सातवीं में पढ़ती हूँ। आज मैं कबीर दास जी के कुछ दोहे आपके सामने प्रस्तुत करने वाली हूँ। पहला दोहा, सब धरती का जप करूँ, लेखनी सब वनराज, सात समुंदर की मसीह करूँ, गुरु गुण निखारना जाए। इस दोहे का अर्थ है, अगर मैं इस पूरी धरती के बराबर बड़ा कागज बनाऊं और दुनिया के सारे वृक्षों की कलम बनाऊं और सातों समुद्र के बराबर स्याही बनाऊं, तो भी गुरु के गुणों को लिखना संभव नहीं है। दूसरा दोहा, शीलवंत सबसे बड़ा, सब रत्न की खान, तीन लोक की संपदा तही शील में आन। इस दोहे का अर्थ है, शांत और शीलता सबसे बड़ा गुण है और ये दुनिया के सभी रत्नों में महंगा रत्न है। जिसके पास शीलता है उसके पास मानो तीनों लोकों की संपत्ति है। तीसरा दोहा, ऐसी वाणी बोलिए, मन का आप खोए, औरन को शीतल करे, आप हो शीतल होए। इस दोहे का अर्थ है, कबीर दास जी कहते हैं कि इंसान को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो सुनने वाले के मन को अच्छी लगे। ऐसी भाषा बोलने से दूसरे लोगों को तो सुख पहुंचाती ही है, इसके साथ खुद को भी बड़ा आनंद का अनुभव होता है। धन्यवाद। मेरा नाम निभा खंडेकर है, आज मैं आपके सामने कबीर दास जी के कुछ दोहे प्रस्तुत करने वाली हूँ। पहला दोहा, जो घट प्रेम न संचारे, जो घट जान सामान, जैसे खाल लुहार की सांस लेत पीनू प्राण। इसका अर्थ यह है कि जिस इंसान के अंदर दूसरों के प्रति प्रेम की भावना नहीं है, वो इंसान पशु के समान है। दूसरा दोहा, नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मेल न जाए, मन सदा जल में रहे, धोए बस न जाए। इसका अर्थ यह है कि आप कितना भी नहा धो लीजिए, लेकिन अगर
आपका मन साफ नहीं हुआ तो उसे नहाने का क्या फायदा। जैसे मछली हमेशा पानी में रहती है लेकिन फिर भी वह साफ नहीं होती, मछली में तेज बदबू आती है। तीसरा दोहा, अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप। अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। इसका अर्थ यह है कि न तो अधिक बोलना अच्छा है, न ही ज़रूरत से ज़्यादा चुप रहना ठीक है। जैसे बहुत अधिक वर्षा भी अच्छी नहीं है और बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं है। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम प्रत्युष कोष्टी है, मैं कक्षा 7वीं में पढ़ता हूँ। आज मैं आपको गोस्वामी तुलसीदास जी का दोहा बताने वाला हूँ। राम नाथ मनिधीर घरु जी देहरी देही द्वार, तुलसी भीतर बाहर हूँ जो चासी हो जी यार। इस दोहे का अर्थ है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, यदि तुम भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहते हो तो मुख रूपी द्वार, जीभ रूपी दहलीज पर राम नाम रूपी का मणिदीप रखो। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम श्री जितेंद्र वडनेरे है, मैं 7वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं आपके सामने कबीर जी का एक दोहा प्रस्तुत करने वाली हूँ। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इस दोहे का अर्थ है, गुरु और गोविंद, गोविंद यानी भगवान, दोनों सामने खड़े हैं, पहले किसके चरण स्पर्श करें। कबीरदास जी कहते हैं पहले गुरु को प्रणाम करूंगा क्योंकि आपने गोविंद तक पहुंचने का मार्ग बताया है। धन्यवाद। मेरा नाम अगस्त्य भगत है, मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं आपके सामने एक दोहा प्रस्तुत करने जा रही हूँ। यह दोहा संत कबीर द्वारा लिखा गया है। निंदक नियरे राखिए आंगन कूटी छवाए, बिन पानी बिना साबुन निर्मल करे शोभाए। इस दोहे का अर्थ यह है कि जो आपकी निंदा करते हैं उसे अपने अधिकाधिक पास रखिए, वहाँ तो बिना साबुन या पानी के आपकी कमियाँ बताकर आपके स्वभाव को साफ कर देते हैं। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम अनमोल सुभाष शिंदे है, मैं कक्षा 8वीं का छात्र हूँ। आज मैं आपको कुछ दोहे सुनाने जा रहा हूँ। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। अर्थात मनुष्य को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो सुनने वाले के मन को बहुत अच्छी लगे। ऐसी भाषा दूसरे लोगों को तो सुख पहुँचाती ही है, इसके साथ ही साथ खुद को भी बड़े आनंद का अनुभव होता है। बुरा तो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन देखा आपना मुझसे बुरा न कोई। अर्थात हम सारा जीवन दूसरों की बुराइयां निकालने में लगा देते हैं, लेकिन अगर हम खुद के मन में झांक के देखें तो हम पाएंगे कि हमसे बुरा और कोई इंसान नहीं। धन्यवाद। मेरा नाम वेदांत चौधरी और आज मैं आपको संत मीराबाई के बारे में बताने वाला हूँ। मीराबाई का जन्म 1498 में राजस्थान में हुआ। मीराबाई एक मध्यकालीन हिंदू आध्यात्मिक कवयित्री और भक्त कृष्ण भक्त थी। वे भक्त आंदोलन के सबसे लोकप्रिय भक्तों संतों में से एक थी। भगवान श्री कृष्ण को समर्पित उनके भजन आज भी उत्तर भारत में लोकप्रिय है और श्रद्धा के साथ गाए जाते हैं। मीरा का विवाह राणा संगा के पुत्र और मेवाड़ के राजकुमार भोजराज के साथ सन 1516 में हुआ। उनके पति भोजराज दिल्ली सल्तनत के सरदार के साथ लड़ाई में घायल हो गए और 1521 में उनकी मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु के बाद उनकी भक्ति दिन ब दिन बढ़ती गई। मीरा अक्सर मंदिर में जाकर कृष्ण भक्त के साथ बैठकर कृष्ण मूर्ति के सामने नाचती थी। मीराबाई की कृष्ण भक्ति और इस प्रकार से नाचना और गाना मीराबाई के पति के परिवार को अच्छा नहीं लगता था, इस वजह से उन्हें कई बार विष देकर मारने की कोशिश की गई। ऐसा माना जाता है कि कुछ दिन तक मीराबाई विद्वान में रहने के बाद वह द्वारका चली गई और सन 1560 में वे श्री कृष्ण की मूर्ति में समा गई। धन्यवाद।